पत्रकार कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आज का जनसंचार मीडिया कितना आगे बढ़ रहा है, डिजिटल मीडिया जो इसको हम न्यू मीडिया कर रहे हैं वो मीडिया कितना चैलेंजिंग है, पत्रकार के सामने क्या चुनौतियां हैं, विकसित भारत कैसे होगा, देश का विकास कैसे होगा, लोकहित कैसे होगा, जन कल्याण कैसे होगा, इसके बारे में आपने विस्तृत चर्चा डाला। मैं इन विषयों को छूंगा नहीं क्योंकि मैं एक पत्रकार भी नहीं हूँ, लेकिन पत्रकार बंधुओं का तथा पत्रकार जगत का मैं पूरा सम्मान करता हूँ कि आज जो है अगर हम लोग अपने को देखते हैं हम विकसित हैं या विकसित होएंगे या भारत आगे बढ़ेगा, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की रही है तो वो भारत का चौथा स्तंभ जो दुनिया जो है आपका वो जो चौथा स्तंभ जो पत्रकारिता है उनकी रही है। और ये रही नहीं, वो और आगे जाएगी ये, क्योंकि अब आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती जो है, जो कि हमारे लिए एक तरह से हमारी वही चुनौतियाँ हमारी रीढ़ की हड्डी बनेंगी, AI जिसको आपने कहा, AI और जो डिजिटल मीडिया, ये डिजिटल मीडिया आज का पत्रकारिता का स्तंभ तो बनेगा लेकिन हमें इसे सतर्क भी रहना है। YouTube के द्वारा या कई जो हमें कई सूचनाएं गलत भी मिलती हैं, कभी सच्ची मिलती हैं। आजकल साइबर सिक्योरिटी नाम का जो ये को है, ये हर किसी को अगर कोई उजागर कर सकता है, अवेयर कर सकता है समाज को, तो केवल पत्रकारिता ही पत्रकार ही कर सकते हैं। आप ये देखिए, छोटा सा एक उदाहरण हमारे सामने है, हमारे विश्वविद्यालय के पहले एक वरिष्ठ प्राध्यापक थे, उन पर 8.5 लाख रुपये चूना लगा दिया, खाली बैठे बैठे घर में कैद कर लिया। तो ये भी बहुत बड़ा हुआ है। अभी मैं एक छोटा सा उदाहरण पढ़ रहा था इसका, साइबर सिक्योरिटी का। एक भिखारी होता है, वो अपनी एक पत्नी को लेकर के, एक छोटे बच्चे को लेकर के जाता है उसे, और बगल में बोलता है कि साहब मुझे कुछ खाने को दीजिए, और बड़ी रोता है वो आदमी, कहता है नहीं देने, उसकी पत्नी कहती दे दीजिए इसको। फिर कहता है साहब मेरा सब कुछ छिन गया है, मेरा घर फ़ोन करना है, उससे फ़ोन मांग लेता है। आदमी फ़ोन देता है, वो अपने घर फ़ोन करता है, इसी बीच में वो उसको फ़ोन वापस देता है, तब तक उसके पास कई मैसेज आते हैं और उसका पूरा अकाउंट गायब हो जाता है। ये भी हमें इस तरह से भी ये भी देखिएगा, ये पत्रकारों के सामने, हमारा जो पत्रकारिता जगत है उसके सामने साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज आने वाला है। मैं इनके बारे में अभी जो जिसका विषय है, माननीय प्रमोद जी ने बताया, माननीय सुरेश जी ने बताया, हमारे विभागाध्यक्ष रायाल जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, सभी गणमान्य पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार, प्रबुद्ध पत्रकार जन यहाँ बैठे हुए हैं। मैं आपके विषय को छूंगा नहीं, मेरा आपसे केवल एक ही निवेदन है कि पहले तो हमें धन्य है कि हमें एक पत्रकारिता जो कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है पत्रकार क्षेत्र, उनका सहयोग हमें मिला, और ये आज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के इतिहास में ये जो है ये स्वर्णाक्षरों में दिन लिखा जाएगा कि इतने पूरे बड़े विश्वविद्यालय का जो पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि एशिया में माना जाता है उसके कुलपति के रूप में आपका हमें मार्गदर्शन मिला। इसलिए सुरेश जी हम लोग आपके बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरा विश्वविद्यालय आपका कृतज्ञ रहेगा। छोटी सी मेरी प्रार्थना है, हमारा मुक्त विश्वविद्यालय, हम लोगों की हमेशा ये कोशिश रही है कि हम हर घर तक पहुँचे, जिसमें कि हमारे पत्रकार बंधु हल्द्वानी के ही नहीं पूरे उत्तराखंड के, जिनका बहुत सहयोग हमें मिला है, और हमारे ये रहता है कि हर घर तक आदमी शिक्षित हो जाए, शिक्षित ही नहीं हो बल्कि जो है हम लोग एक उत्कृष्ट कार्य भी करें, अच्छा कार्य भी करें। तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक MOU आपके साथ साइन करें, ताकि आपके पास एक अच्छा रिसोर्स आपके पास है पत्रकारिता क्षेत्र में, हमें अच्छे कंटेंट मिल सके, किस तरह से हम कंटेंट लिखवा सके उनसे, किस तरह से हमारे कंटेंट ऑनलाइन के द्वारा आगे जा सके, या हम आपसे, इसलिए मेरा या इसके पीछे मेरा, क्योंकि मेरा हमेशा हेतु ये रहता है कि जब हम कोई काम करें तो उस कार्य को हम ऐसे बढ़ाएं जो कि विश्वविद्यालय के हित में हो। तो ये विश्वविद्यालय का हित होगा, ये विश्वविद्यालय की नई परंपरा पड़ेगी कि कम से कम आपके संस्थान से और IIMC सर आपके संस्थान से भी हमें कुछ ऐसे विशेषज्ञ मिल जाएं, जो रयाल जी से निवेदन करूंगा कि आप उनसे कोऑर्डिनेट करिए ताकि अच्छे ब्लॉग्स मिल जाएं। मैं देख रहा था, मैं कई बार सुरेश जी को मैं जानता नहीं था, मैंने आपके बारे में सुना जरूर था, और कुलपतियों का जो एक हमारा ग्रुप है उस ग्रुप में मैं आपके लेख पढ़ता रहता था, तो मैंने कई बार आपके मूक्स देखे हैं। मैं रयाल जी को तुरंत उनको भेजता था, भाई ऐसे मूक्स हम क्यों नहीं बना सकते, छोटे छोटे ब्लॉग्स हम ऐसे क्यों नहीं बना सके, ताकि जो है हमारे पत्रकार बंधु हमारे रिसर्च भी इस तरह से हो जाए, हम अपने हमारे पत्रकारिता को आगे बढ़ा के ऐसे रिसर्च क्यों नहीं, किसी को हमने साइबर का ही रिसर्च दे दिया किसी पत्रकार किसी बंधु को रिसर्च करने में, किसी को कोई दे दिया, तो हम जिससे कि अगर उत्तराखंड का विकास करना है या ये देश का विकास करना है तो पत्रकारिता के बराबर कोई वो नहीं हो सकता। हम लोग एक विषय तो चुन सकते हैं लेकिन पत्रकार एक मल्टी डायमेंशनल पर वो है, पत्रकार मल्टी डायमेंशनल अगर हमें विकास करना है, हर चौमुखी विकास करना है, हर दिशा में विकास करना है, तो पत्रकारिता को बढ़ावा देना होगा।
तो मेरा निवेदन सर आपसे रहेगा, और मुझे लगता है कि आपने मान भी लिया है कि हम एक जल्दी ही MOU साइन करेंगे, और MOU साइन करने के एक स्टाफ एक्सचेंज प्रोग्राम अपने लोगों को भी हम भेजेंगे आपके यहाँ, थोड़ा देख आएंगे किस तरह से बन सकता है, कैसे कार्यक्रम बन सकता है, और आप भी अपने यहाँ से भेजेंगे ताकि हम लोगों का एक एक्सचेंज प्रोग्राम बनता रहे। और ये जो देवभूमि है, इस देवभूमि ने पूरे विश्व को कुछ ना कुछ दिया है, हम आपसे देवभूमि के नाम पर जो है ताकि हम भी एक इसमें अपनी एक पुष्प चढ़ा सकें, ताकि हम अब इस पुष्प के द्वारा जो है पूरे समाज को या अच्छी पत्रकारिता करने में सक्षम हो सके, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का नाम हो सके, यहाँ के छात्र पूरे देश में बढ़ सके, जो कि हमारी मिनिमम है, थिंक ग्लोबली एक्ट लोकली का जो सिद्धांत हमारा है कि छोटे से शहर से हम पूरे विश्व में फैल सके। मैं चाहता हूँ कि मेरा विद्यार्थी पूरे विश्व में अग्रणी बन सके। इन्हीं कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।